ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं है। 30 अप्रैल साल 2020 में उनका निधन हो गया था। ऋषि कपूर के बारे में बात करें तो हर कोई जानता है कि वो फिल्मों के साथ साथ अपनी बेबाकी बयानों के लिए भी जाने जाते थे। कई बार उन्होंने ट्विटर पर ऐसे बयान दिए थे जिसके चलते उन्होंने मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी। एक बार तो ऋषि कपूर ने दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर को लेकर भी ऐसी बातें कह दी थी जो लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही थी। दरअसल साल 2010 में जब करण जौहर के चर्चित शो शौ कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण और सोनम कपूर दोनों दिखाई दी थी। शो में करण ने दीपिका से रणवीर कपूर को लेकर कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद उन्होंने गिफ्ट में क्या चीज देना चाहेंगी इसके बारे में पूछा। तो इस पर एक्ट्रेस ने कहा, मैं रणवीर को एक कॉन्डम का पैकेट उपहार में देना चाहूंगी क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा करते हैं। साथ ही दीपिका ने ये भी कहा था कि रणवीर को किसी भी कॉन्डम कंपनी का विज्ञापन करना चाहिए। उस दिन करण जौहर ने दीपिका और सोनम ने रणवीर के इस मामले को बहुत घुमाया और बातों के चटकारे लिए। रणवीर को लेकर ये शो नेशनल टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुआ। हालांकि रणवीर कपूर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ये बातें रणवीर के पिता लेट ऋषि कपूर साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ऋषि कपूर साहब ने तब दीपिका और सोनम पर कटाक्ष करते हुए ये तक कहा था कि इन दोनों लड़कियों के मामले में मुझे यही लगता है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि रणवीर दोनों के हाथ नहीं आया। इसके आगे ऋषि कपूर ने कहा था कि जहां तक सोनम की बात है, जब वो छोटी थी तब से मैं उसे जानता हूँ, वह अनिल की बेटी है। इन दोनों लड़कियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों पर ध्यान देने से अच्छा है कि वो अपने करियर पर ध्यान दें। तब ऋषि कपूर ने करण जौहर को भी कहा था, तुम्हें तो अपना शो चलाना है, मैं कॉफी विद करण पर पहले भी आया था नीतू के साथ और अपने भाई बहनों के साथ और तब बहुत अच्छी बातें हुई थी, एक बात भी इधर उधर नहीं गई। तो इस तरह से लोगों की पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने की क्या जरूरत है। साथ ही ऋषि कपूर साहब ने ये भी कहा था कि जो दीपिका और सोनम ने किया है वो रणवीर कपूर नहीं करेगा और रणवीर कभी भी किसी को बैग माउथ नहीं करेगा। कुछ इस तरीके से अपने बेटे को सपोर्ट करते नजर आए थे। और तब करण जौहर इस सोनम और दीपिका वाले एपिसोड के बाद ऋषि कपूर साहब खास नाराज हुए थे करण जौहर से। इनफैक्ट वे उस दौरान करण जौहर की फिल्म अग्निपथ में रुतला का भी किरदार कर रहे थे, लेकिन इस एपिसोड के बाद कहा जाता है ऋषि कपूर साहब ने अग्निपथ फिल्म छोड़ दी थी, उन्होंने वर्कआउट कर दिया था ये किरदार करने के लिए। फाइनली करण को हाथ जोड़कर ऋषि कपूर साहब को मनाना पड़ा, जो भी चीजें की उसके लिए सॉरी कहकर उनसे गले मिले, फिर ऋषि कपूर साहब इस फिल्म के लिए राजी हुए। तो कुछ इस तरीके से दीपिका और सोनम के कारण करण की फिल्म अटकने वाली स्थिति में आ गई थी। तो दोस्तों, आप दीपिका पादुकोण द्वारा की गई इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।